नमस्कार, मैं राम नायक यादव यूनिक लत्र लखनऊ में आपका अगेन स्वागत करता हूँ। जैसा कि चल रहा है हमारा आर्टिकल पर सीरीज चल रही है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आर्टिकल वन पे एक्सरसाइज की है, आज उसी के आगे हम आर्टिकल टू कर रहे हैं। आर्टिकल टू में यूज ऑफ द में अगला रूल है कि पर्वत श्रेणियों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल होता है कि दिशाओं के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दिशाएं जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, और पर्वत श्रेणियाँ क्या हैं जैसे द हिमालयाज, द एल्पस। तो एग्जाम्पल है आपका कि हिमालयाज आर टू फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, द हिमालयाज आर टू, अब जो कि नॉर्थ क्या है, दिशा है, तो दिशा के पहले द लगता है, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, फिर जितनी भी यूनिक बॉडीज हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यूनिक बॉडीज जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड। अगला है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन के पहले द आएगा और दिशा अगेन ईस्ट है, इसके पहले द आएगा। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री, अगला यहाँ पे द गंगा फिल इन द ब्लैंक सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज। अब अगला रूल फिर है आर्टिकल द का कि नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह होगा द गंगा, द यमुना, तो यहाँ पे हो जाएगा द गंगा इज, अब यहाँ पे इसके पहले लगेगा आ, सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज। अब देखिए हिंदूज क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी है। अगला रूल होता है कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो होगा द हिंदूज। और अदर रिलीजियस कम्युनिटी क्या है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, तो यहाँ पे भी होगा क्या, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स, इसी तरह होगा द सिख्स, द जैन्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, राजधानी एक्सप्रेस। फिर अगला रूल फिल कहता है यूज ऑफ द में कि ट्रेन के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे होगा द राजधानी एक्सप्रेस इज, अब अगेन फास्टेज। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो फास्टेज क्या है, फास्ट, फास्टर, फास्टेज होता है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो राजधानी एक्सप्रेस इज द, राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये भी याद रखें एवरेस्ट के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगला एग्जांपल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर। तो अगला रूल होता है कि न्यूज़पेपर के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो होगा द हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स, अब फिर यहाँ पे लेटेस्ट अगेन क्या है, सुपर लेटेस्ट डिग्री, तो अगेन यहाँ पे होगा द, तो द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स द लेटेस्ट न्यूज। अगला रूल देखिए, अगला है समाजवादी पार्टी वर्क्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगला रूल कहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो होगा द समाजवादी पार्टी वर्क्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा फिल इन द ब्लैंक्स पार्लियामेंट हैज पास फिल इन द ब्लैंक्स बिल। अब अगेन रूल है कि पार्लियामेंट हो गया, हेवन हो गया, हेल, इनके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल। यहाँ पे होगा बिल के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, एक निश्चित बिल पास किया गया उसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। आपने सुना होगा कहा जाता है गो टू हेल, ना कि गो टू द हेल, तो हेल के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। पार्लियामेंट हो गया, हेल हो गया, हेवन, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। अगला एग्जाम्पल लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स रिच शुड हेल्प फिल इन द ब्लैंक्स पुअर। अब देखिए रिच क्या है, पुअर क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं, रिच एंड पुअर क्या है, एडजेक्टिव। रूल कहता है अगर हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो उससे उस पूरी कम्युनिटी का बोध होता है, तो यहाँ पे क्या है, द रिच, तो द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, शुड माने चाहिए, हेल्प माने मदद करना, किसकी, द पुअर, यानी अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगला देखिए, मेनी फिल इन द ब्लैंक्स मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर। देखिए एक विशेष स्ट्रक्चर है कि मेनी के बाद अगर वर्ब सिंगुलर है और यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर है तो हम ए लगाएंगे, मेनी अ मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर। अगला है फिर अगेन मेनी के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता,
मेनी के बाद अगर नाउन सिंगुलर लिखी है तो उसके बीच में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और ये पूरा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मेनी के बाद नाउन क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम किसी भी प्रकार आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो मेनी अ मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन किसका भी है, प्रीपोजिशन का, डाइड, डाइड के बाद ऑफ आया है। अगर किसी की मृत्यु बीमारी से होती है तो हमेशा डाइड ऑफ होता है, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, राइट। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक्यूज्ड ऑफ, इसी तरह एक्यूज्ड के बाद क्या आता है, हमेशा ऑफ। इसी तरह फाउंड के बाद हमेशा ऑफ आता है। इसी तरह असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना, उसके बाद भी जो प्रीपोजिशन आता है ऑफ आता है। तो आप यहाँ आपने आर्टिकल भी सीखा और दो क्वेश्चन कि ऑफ किसके किसके बाद आता है, डाइड ऑफ होता है, अक्यूज ऑफ होता है, असेम्ड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ होता है। जब भी प्रीपोजिशन की सीरीज चलेगी वहाँ पर हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। अगला देखिए एग्जांपल है कि फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेसिडेंट एंड एसडीओ आर कमिंग टू विलेज। अब देखिए यहाँ पे जो डिसाइड होता है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, दो व्यक्ति हैं, तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो द प्रेसिडेंट एंड द एसडीओ आर कमिंग टू विलेज। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमने ए क्यों नहीं लगाया, कि प्रेसिडेंट और एसडीओ पद हैं, तो जितने भी पद होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और दोनों के पहले क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम दोनों के पहले लगाते हैं। अगर यहीं पे वर्ब सपोज दैट इज दिया होता, क्या दिया होता, इज, तो इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वही एसडीओ है, तो सेकेंड वाले के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ पहले में लगाएंगे, होगा द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ इज कमिंग टू विलेज। अगला एग्जांपल देखिए, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इज माइन। अब देखिए यहाँ पे इज दिया, इसका मतलब जो घोड़ा या हॉर्स क्या, घोड़ा ब्लैक और वाइट दोनों है, तो यहाँ पे होगा इसके पहले हम आ लगाएंगे और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आर होता तो दोनों जगह आर्टिकल ए लगेगा। अब सवाल ये उठता कि हमने यहाँ पे द क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, अगर आप द लगा देते तो होता जितने सारे काले हैं और जितने सारे वाइट घोड़े हैं वो सब क्या हैं, मेरे हैं, जबकि उसका सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है हॉस्पिटल, इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है स्कूल, इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है कोर्ट, इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है जेल, तो ये जितने ये क्या है, एक प्रकार से बिल्डिंग है, तो रूल होता है कि अगर किसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उसी उद्देश्य के लिए आप वहाँ पे जाते हो, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए गए, हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए गए, कोर्ट न्याय मांगने के लिए गए, और जेल कोई भेजता है सजा काटने के लिए, तो उनके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कहेंगे आई वेंट टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ही है सब्जेक्ट वो हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा, वो अपने मित्र से क्या मिलने के लिए जा रहा, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन इतना होता कि ही इज गोइंग टू, यहीं पर स्टॉप हो जाता हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ही हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए तो जा नहीं रहा, इसलिए हम इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टू विजिट सिक फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू विजिट अ सिक फ्रेंड करेंगे, यहाँ पे आ लगेगा, द नहीं लगेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही, जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, अगर हम स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, किसी से मिलने के लिए जाएंगे, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल मीट द प्रिंसिपल। अगला एग्जांपल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैन, यहाँ पे देखिए वुमेन है, तो मैन और वुमेन के पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब मैन और वुमेन से
पूरी मैन से पूरे मनुष्य जात की बोध हो और वुमेन से पूरी नारी जात के बोध हो, ठीक है, तब वहाँ पर हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल क्या है, मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य क्या है, आदमी क्या है, नाशवान है, तो इसके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, औरत क्या है, घर की गहना है, तो इसका मतलब ये हर औरत के लिए, किसी पर्टिकुलर औरत के लिए नहीं कहा गया और इस एग्जांपल में किसी पर्टिकुलर मैन के लिए नहीं कहा गया, इसलिए दोनों के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला एग्जांपल है, आई मेट लिंडा प्लैंक्स मैन, अब यहाँ पर मैन के बारे में कोई जानकारी नहीं और यहाँ किसी एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात की जा रही है और इसीलिए इसके पहले आ लगेगा। तो आपने देखा मैन के पहले कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, कब, जब मैन से पूरे मनुष्य कम्युनिटी की बात हो, वुमेन के पहले भी नहीं लगेगा जब समस्त औरतों के बारे में बात की जाए, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, मैन पे ही है, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स मैन हु हैज स्टोलन माई मोबाइल, अब देखिए ये मैन और ये मैन, इस मैन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए इंडिफिनिट था, आर्टिकल ए का प्रयोग किया। इस मैन के बारे में जानकारी दी जा रही, कौन सा आदमी, हु हैज स्टोलन माई मोबाइल, इसने मेरा मोबाइल चुराया है, वो वही आदमी है, इसका मतलब ही इज द मैन, ये यानी वो वही आदमी है जिसने मेरा मोबाइल चुराया है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। तो आपने देखा मैन के पहले आर्टिकल नहीं भी लगता, मैन के पहले आर्टिकल ए भी लगता और मैन के पहले आर्टिकल द भी लगता है। इसके बाद कुछ ऐसी फ्रेज हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आती हैं, जैसे ऑन फूट होता है, ऑन द फूट नहीं होगा, एग्जाम में आएगा ऑन फिल इन द ब्लैंक्स फूट, तो उसके बीच में हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन फूट होता है। इसी तरह एट फर्स्ट होता है, जबकि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इनके पहले प्रीपोजिशन एट हो तो एट फर्स्ट होगा ना कि एट द फर्स्ट, इसी तरह एट लास्ट होगा ना कि एट द लास्ट, इसी तरह स्पीक द ट्रुथ होता है, ट्रुथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रूल होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन स्पीक द ट्रुथ होता है, स्पीक के साथ द आएगा तो ट्रुथ होगा। फिर अर्थ, हम जानते हैं कि अर्थ के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एग्जांपल आए वी लिव ऑन फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ, तो हम इसके बीच में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे ऑन अर्थ। इसी तरह ऑन टेलीविजन होता है, ऑन द टेलीविजन नहीं होगा, इसी तरह इन ए हरी होगा, यानी बीच में आर्टिकल ए लगेगा, इसी तरह मे का नॉइज होगा। तो आज हमने आर्टिकल टू की एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे भी इसी आर्टिकल थ्री की सीरीज करेंगे, जिससे ये पूरा आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।